नमस्कार अर्गस ग्राउंड जीरो को स्वागत मु स्मृति लग्ना। एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामला राज्यर बहु चर्चित मामला जहार खियो खोजुची पुलिस एबे पर्यंत किछि स्पष्टता सामना को आसी नाही। क्राइम ब्रांच माराथन जेरा आरंभ करिछि। तेबे गुरांडी थाना ओआईसी ममता पंडा को जेरा चलिछि। आपण जानिछन्ती पूरा घटना रे ममता पंडा को भूमिका को नै अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होइतिला। को परिस्थिति रे ममता पंडा सेठा को जाइतिले, विद्या भारती कर से संपर्क एक कथा मध्य सामना को आसीतिला। अपर पक्ष तांकर जे उपरिस्थ अधिकारी सेमाने स्पष्ट करिसेंती जे ममता पंडा को सेठा को ड्यूटी रे पठा जाय नथिला, से मानवीयता दृष्टिकोण रु जायथिले। किंतु अनेक प्रतिक्रिया सामना को आसीथिला, जो प्रतिक्रिया रे ताळमेळ रहु नथिला ममता पंडा को भूमिका को नै सेति पई अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होइथिला, जोति पई तांको तदंत परिसर भुक्त करा जायछि एवं क्राइम ब्रांच तांको आज जेरा करूछि। 12 तारीख राति रे एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र चिकित्सा समय रे ममता पंडा को पारला खेमुंडी मुख्य चिकित्सालय आसीबा परे अनुमति देथिला किए 108 आंबुलेंस को फॉरेस्ट गेट छक निकट अटकाइबा घटना नै क्राइम ब्रांच मध्य पचराउचरा करि पारे। बाबद्र अधिक सूचना पई जितेंद्र सिद्धासोक हमर रिपोर्टर हम सहित जोड़ी होइछंती। जितेंद्र, पूरा घटना रे ममता पंडा को भूमिका को नै मध्य प्रश्नवाची सृष्टि होइतिला। सौम्यंक परिवार लोक मध्य ए अभिजोग आनिथिले, जेहेतु विद्या भारतींकर ममता पंडा संपर्क निश्चित भाबरे सेमाने षडयंत्र करिछंती एवं पुओ को मारिबा पई समस्त मिसिकी चेष्टा करिछंती, जोथरे ममता पंडा भी तांको सहायक होइछंती। ए अभिजोग परिवार लोक आनिथिले। वर्तमान क्राइम ब्रांच को दिगरे ममता पंडा को पचराउचरा आरंभ करिछि। देखो स्मृति लग्ना, क्राइमब्रांच जब केसटा को हाथ को नेबा पर ठारु तदंत दिग खूब शीघ्र जपरी माने गोटे पर गोटे जन को तदंत करुची, तदंतर अंतर्भुक्त करुची। जे वर्तमान पूर्व प्रथमे जो दुई दुईटी एसीएफ जे गौरीशंकर रथ एवं तांको सहकर्मी जो मैंने अच्छा भास्कर राव, एसीएफ भास्कर राव मध्य तदंत कर सारीपर मध्य जगुआली कथ कौ नाइट व्वाचर कथ कौ एवं विभिन्न दिगर तदंत कर क्राइमब्रांच वर्तमान सुधा 12 जन रु अधिक जन तदंत कर सारी डाक्टर कथ कौ जो दिन एसीएफ 12 तारीख दिन राति क्यों डाक्टर चिकित्सा करते के समय धरी चिकित्सा करता कौन कौन चिकित्सा करता से दिगर क्राइमब्रांच तदंत कर सारी। वर्तमान आम जहाँ आम बर्तमान अच्छा पारखीन थाना परिसर में जहाँ दिन दसटा अधटू क्राइमब्रांच तदंत आरंभ कर गुणाणी थाना ओएसी ममता पंडा को जेरा आरंभ कर दीर्घ दुई घंटू अधिक समय बीतीगला घन घन कर प्रश्न कर क्राइमब्रांचर चारजिया टीम जी अच्छा ज्ञानेन्द्र मिश्र डीएसपी जी अच्छा से मत उपस्थित अच्छा घंटा घंटा धरी तदंत कर पूर्व पुलिस जो भाई भाव में तदंत कर समस्त मन में प्रश्न मतलब दे एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र तद मैं न्याय पाए तो कितु गोटे घटना स्मृति लग्ना मुझे गोटे कथ कह सकाल सकाल जो वीडियो आम हाथ लगी वीडियो देखिए डॉक्टर जो बयान दे डॉक्टर कही मृत्युकालीन जमानबंदी समय तहसीलदार जी अच्छा अच्युतानंद जानी एवं डॉक्टर ही उपस्थित थे किंतु से वीडियो आपको देखे देखिथे निश्चय भाव से स्पष्ट अनुमय होती अच्युतानंद जानी सह दुई दुईट डॉक्टर एवं डीएफओ उपस्थित अच्छा से वीडियो रे किंतु क्राइमब्रांच से दिगरे तदंत करना अधिक तदंत से वीडियो को व्यवहार करना से वीडियो रे जो व्यक्ति मैंने अच्छा से तदंत परिसर को नबना यहाँ गोटे बड़ प्रश्न ही सृष्टि होती किंतु आउ गोटे पक्ष जो देखिए जगुआरी कथ कह जदि जगुआरी मत बयान दे 12 तारीख दिन राति 8टा पर जिलापाल डीएफओ घरे उपस्थित थे से दिग नहीं पुलिस तदंत क्राइमब्रांच तदंत कर कारण पुलिस जो ढंग से तदंत कर कहारी आशा ना विश्वास ना पुलिस उपरे किंतु क्राइमब्रांच जो दिग दे तदंत कर समस्ते किसी ना कि आशार अच्छा घंटा घंटा धरी जेरा कर प्रत्येक जन को दुई दुई घंटा लेखा जेरा कर जो चारजिया टीम अच्छा से तन तन कर तदंत कर प्रत्येक कागजपत जांच कर सह तदंत दिग मध्य किपरि भाबे सुदृढ होई परबो समस्त तथ्य किपरि क्राइमब्रांच होईछि। परवर्ती समय रे क्राइमब्रांच तदंतर भार नैछि। एबे भी सौम्यरंजन को परिवार आशा रखुचंती आमको न्याय मिलिबो, जदिओ सेमाने तदंत उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करिसेंती जे किभळी भाबरे तदंत होईतिला घटना को 1.5 मास बिती थिले भी निजो पुओ पई सेमाने लढै जारी रखिचंती। किंतु गोटे कथा कोंतो ममता पंडा पूरा घटना परे काहे कि गणमाध्यम सामना रे किछि प्रतिक्रिया रखिले नाही, केवल गोटे लाइन ही कहिथिले तदंत चली। जदि से कहिले जे उपरिस्थ अधिकारी सबकि कहिबे मु एबे
बयान दबा ठीक हेबो नाही तबे किभळी भाबरे तांको उपरिस्थ अधिकारी ड्यूटी को पठाई नथिले से किभळी भाबरे जाई विद्या भारती को पाखरे पहुचिले एवं विद्या भारती तांकर संपर्कय से कथा को मध्य से खंडन करथिले तो मोटामोटी भाबरे कहबा को गले किछि क्लियर कट चित्र मिली पारु नाही जोति पई ममता पंडा को उपरे संदेह उपजिथिला। देखंतु स्मृतिलग्ना पूर्वर जो तपन कुमार पट्टनायक जे गजपति जिला एसपी थिले छे छटिया छटिया कर्मचारी जदि तांकर जदि ड्यूटी रे अवहेला जदि हुए कार्य को ठीक टाइम रे जदि पहुंचे ना पहुंच आसंती नै सेमानकु निलंबित करंती दरमा बंद करंती किंतु ममतारी पंडा जे गुरांडी ओआईसी अछंती से लंबा समय माने पाळेखेमुडी आसी मेडिकल चिकित्सा दिन होतुआ समय रे समीरंजन महापात्र को पाखो आसीथिले एवं सरकारी बासभवन जो एसएफ समीरंजन महापात्र को सरकारी बासभवन को विद्या पंडा सह जाते से सब घटना नहीं डीएफओ जो डीएफओ को पाखे उपस्थित थे पाराखिंडी तो एसडीपीओ से उपस्थित आईआईसी उपस्थित ए सब घटना देखते किंतु पुलिस जो भाई ढंग से तदंत करुला जो भाई भाव तदंतर दिग हराउला ए नहीं ममता रानी पंडा को किसी समय पर जेरा करता पूर्वतन एसपी जी जो अच्छा तपन कुणा पट्टनायक से संपूर्ण मात्र क्लीन चिट देते यह नहीं स्पष्ट अनुमय होता साधारण मत बे चर्चा धरला कौटिना कौट बड़ बड़िया बाबू को हाथ रही जो पुलिस तदंत दिग हराउसह पुलिस विभाग कर्मी कही कहल क्लीन चिट दि जाऊँगी किंतु क्राइम ब्रांच प्राय दुई घंटा अधिक समय धरी जेरा करदंत करश्चय किसी ना कि क्राइमब्रांच हाथ में सुराग लगी जो घंटा घंटा धरी प्रश्न कर साधारण प्रश्नवाची सृष्टि होती पुलिस एत मात्र सब जगार तदंत कर सारी आपत कहतु पुलिस बलांगीर जा सारी बलांगीर विद्याभारती जोठारे पार्टी करेंठार पचराउचरा कर सारी सहित अनेक पचराउचरा दुई दुई थर जेरा करूँ जो अभोग सामना को आसाला कहीं पर्यत विद्याभारती डीएफओ को मुहांमुह जेरा कराई निश्चित भाव में मुहांमुह जेरा करागले अनेक तथ्य सामना को आसब बर्तमान सुधा से कथा देखा मिलनी एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जो प्रथम साइंटिफिक टीम गला एवं साइंटिफिक टीम एक कहला जे ये घटनास्थल नुह ए जगार सौम्यरंजन को मृत्यु न हो पारे परवर्ती समय से जगार कला दाग केमी मिलला सीए ही घटनास्थल बोली किभली भाव परवर्त तदंतकारी संस्था कला यह प्रश्नवाची सृष्टि हो देखंतु स्मृति लग्ना पाळेखेमुंडी आईआईसी जे विवेकानंद स्वाई अच्छा जो समय तदंत करुले से चारि चारि जिला ग्रस्त करते 25 रु ऊर्ध लोक जेरा करते कौन सी सुराग पाइनते केवल पुलिस हाथ खाली पड़ता जो क्राइम ब्रांच एवं तदंत करुच्ची अन्य पक्ष कह विद्याभारती पंडा जी अच्छा जो जो हाथ लेखा चिठी कथा कह जाऊ मेडिकल जो उपस्थित कथा कह जाऊँ से घर को जी बाहाना कथ कह ये समस्त दिग नहीं तदंतकारी संस्था मैंने तदंत करु आप गोटे सूचना जहाँ कहले जे जो समय साइंटिफिक टीम एसीएफ समीरंजन महापात्र सरकारी बासभवन जाता कौन सी प्रकार सुराग पाई ना कारण आम से दिन घर को जाइलु कांथरे कि कौटी कला दाग खंडे लग ना किंतु क्राइमब्रांचर जो डीएसपी आसते आम ज्ञानंदन मिश्र सी तन तन कर तदंत कर पूर्वर आसुवा जे पुलिस अधिकारी मैंने कथा कह जो विभिन्न तदंतकारी संस्था अच्छा से मैंने जो भाई भाव में पुलिस जी अच्छा तपन कुमार पट्टनायक पूर्वतन एसपी थे से मत कहते घटना स्पोर्ट सीटा किंतु एम जाशु चापी देवाई चेषा करुते जो घटना तदंतर दिग हरा करने समस्त को भ्रमित करुते प्रतिनिधि मनोज जी चाहिए मनोज प्रत्येक क्षेत्र में कहुए तदंत एक समय परिधि भितर होगा दरकार नदी पर्याप्त समय दिजिव अभियुक्त मैंने सफल हे प्रमाण नष्ट अलरेडी घटना को देढ़ समय बीती गला क्राइम ब्रांच तदंतर दिग को आपत देखते देखो स्मृति लग्ना पारालाखमुंडी एसीएफ मृत्यु को देढ़ मास पाखापाखि बीती गला किंतु एपर्यंत तदंतकारी टीम तार कारण स्पष्ट कर पारिनी कि दोषी मानक दंड दे पारि जहाँकि सौम्य रंजन पर लोके अभियोग कर प्रथम जैकि आम पुओं को हत्या कराई से सीधा सड़क भाव बहु विद्याभारती पंडा और डीएफओ डीएफओ एसिया ना नहीं पुलिस जो प्रथम तदंत कर कौन तदंत परिसर नहीं ना एगार दिन पर डीएफओ को तदंत परिसर नहीं क्लीन चिट दे
ତାପରେ ନ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯେତିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ। କିନ୍ତୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କଲା, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତରେ ବିଫଳ ହେଲା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ସେତେ ଦୋଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଇଏଏସ୍ ଥିଲେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଇଏଏସ୍, ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା, କିନ୍ତୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡକେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପଚରାଉଚରା କଲା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାର ଲୋକେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ସେ ତଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲାନି ଏବଂ ସେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଗଲା ଏବଂ ବିଫଳ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାରାଥନ ଜେରା କରିଛି ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନାର ଯିଏ ଓଆଇସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ଯେ ୱାଇସି ଗୋରେଣ୍ଡି ଥାନାର ୱାଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମମତା ପଣ୍ଡା, ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ମମତା ପଣ୍ଡା ସେ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିନଥିଲା। ଶୁଣିଲା ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାରାଥନ ଜେରା କରୁଛି, କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ? ମନୋଜ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ନେଉଥିଲୁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ମାସେ କାଳ ବିତିଗଲା କିଛି କ୍ଷୟ କାଢ଼ିପାରିଲାନି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେ ଦିନ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ପୋଲିସ, ଯେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଗଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ଯାହା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ଆସୁନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଭରସା ଆସୁନି ଯାହା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ରହୁଛି। ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଏସ୍ଓ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଦିନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାଁ ନେଇନଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିନଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ମନୋଜ, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, କେତେ ସମୟ ଧରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜେରା ଚାଲିଛି? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜେରା ସରିଛି। ମମତା ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜେରା ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ବିତିଗଲା ତଥାପି ମମତା ପଣ୍ଡା ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇଥିଲେ, ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେରା କରିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜେରା ସରିଛି ଏବଂ ମମତା ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତ ମନରେ ଉଠୁଛି ଏଠାରେ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ପାଇଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ସେଦିନ ରାତିରେ 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା କିଏ ଦେଇଥିଲା? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡିକାଲ ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏବଂ ମେଡିକାଲ ପରିସର ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିଏ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ମିଶି କ'ଣ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ? ପୁରା ଘଟଣାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହାଠୁ ଆସିବା କଥା ଆସୁନାହିଁ। ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଏମାନେ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ବୟାନ ରଖିବେ, କଥାରେ ଯଦି ତାଳମେଳ ନ ରହିବ, ତେବେ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବ କି?
देखु स्मृति लग्ना पूर्व प्रथम आपको रखा चाहे 12 तारीख दिन जो जब घटना घटला ता परवर्ती समय ही डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा प्रतिक्रिया आम नहीं से जहाँ सूचना देते से प्रतिक्रिया जे समस्त प्रकार सहयोग करी और समस्त प्रकार प्रतिक्रिया देखा मु प्रस्तुत अच्छी किंतु जो समय पुलिस तदंत आरंभ कर दिन पर दिन बीती जाऊला तदंत पर डीएफओ को मत जेरा होता डीएफओ को जेरा सर गणमाध्यम कौन प्रकार प्रतिक्रिया दे ना से समान ढंग से जो भाई भाव में ममता पंडा जेरा होता से ही दिन ही से डीएफ को जेरा होगापर कौन प्रकार प्रतिक्रिया दे एथु षष्ठ अनुमय हो कि ना कि रहस्य पदा को आसीज जो जो मानक नाम अभोग आने किसी मुह कुछ रोसया जदि कथ कह रोसया केवल से गोटे बयान दे दिन मैडम चित्कार करते मुझी ता छा मत कि ना कि गोटे जिनस स्मृति लगना से घरे आम जो समय घटना घटार कि समय पर ही जाइलु जो रोसया से घरे दुई बाल्टी पानी पकेछि जितेंद्र आसीबे आपन को पाको किंतु एठे दर्शक बंधु को कह रखिया पई चाहिबी ओआईसी ममता पंडा को आज जेरा करा जैतिला जे गुरांडी थाना रो ओआईसी ओछंती जांको भूमिका को ने प्रश्न उठिथिला क्राइम ब्रांच पक्षरु तांकु जेरा करा जैतिला माराथन जेरा एवं जेरा शेष होईछि जेरा परे मध्य कोनोसी प्रतिक्रिया रखिले नाही ममता क्राइम ब्रांच पक्षरु जेरा चलेथिला पूर्वरु मध्य ममता पंडा ए प्रतिक्रिया सामना को आनिथिले जे तदंत ता बाटरे चलेछि मोर किसी कहार आवश्यकता ना उपरिस्थ अधिकारी अनुमति ना एणु मु गणमाम सामने किसी ना क्राइमब्रांच पक्ष जेरा चलता से समान प्रतिक्रिया सामना को आसी जदि उपरिस्थ अधिकारी अनुमति नापारे ना तेरे उपरिस्थ अधिकारी ड्यूटी में पठाई नथिले कि भाव से जाए विद्याभारती पाखे पहुंचले से प्रश्न एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एसएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें गुरांडी थाना ओआईसी ममता पंडा को जेरा शेष हो फेर जितेन्द्र पाखक जितेन्द्र पाखापाखि के समय धरी जेरा करागला क्यों समय क्राइमब्रांच टीम आसी ममता पाखे पहुंचला स्मृति लग्ना सका प्राय 10टा अधे पर ठारु जेरा ममता ओआईसी ममता पंडा गुरांडी थाना बाहरी पारिखंड थाना परिसर से ही जेरा आरंभ होता बर्तमान दीर्घ 3 घंटार ऊर्ध समय धरी जेरा चलता क्राइमब्रांचर चारिजणिया टीम जो अच्छा ज्ञानचंद मिश्र डीएसपी नेतृत्व में चारजणिया जो टीम अच्छा से मैंने घन घन कर प्रश्न करुले और पारिखंड थाना परिसर हिं जेरा चलता किंतु गोटे साधारण मत बे प्रश्न उठू ममता पंडा आईआईसी ओआईसी जी अच्छा प्रत्येक घटना से बिवाद को आसते एसीएफ समय महापात्र घटना तथापि से कौन पर गणमाध्यम सामने मुह खुलूना यह साधारण बेस प्रश्नवाची सृष्टि हो निश्चित भाव में मनोज को पाक फेर चाहिए मनोज जो भाव में आप जानते जे सौम्यरंजन पर अपेक्षा कर पुओ को न्याय केबे मिलिब एवं ए चेतावनी पुओ को न्याय न मिलले राष्ट्रपति पर्यंत पाखे पहुंचबू सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ हेबु सीबीआई तदंत दावी करिबु किंतु एनी हाउ आम पुओपाई आमको न्याय दरकार तेरे क्राइमब्रांच तदंतर दिग देखी कौन लगुच सौम्य पर न्याय मिलिब कारण पूर्व हताश हो सारी सौम्यरंजन पर लोक एवं क्राइमब्रांच उपर आस्था प्रकट कर परिवार लोक जहाँ कहवा कथा से प्रथम जो अभियोग आने जो मैंने डीएफओ हूँ जंगल मंत्री हूँ कि ममता पंडा हूँ कि जिलापाल हूँ कितु से कौन गणमाध्यम आगे कि मुह खुलें पर लोक कहवा कथ जिलार मुख्य हूँ जिलापाल कि जिले में आम पुह जे क्लास वन अफिसर था जी से डेथ हो संदेहजनक मृत्यु हूँ जिलापाल दाबी करवा कथा न्याय जिलापाल मुह खुल कथा तदंत हो तो जिलापाल चुप बस डीएफओ पुओं जहाँ सौम्यरंजन उपरिस्थ अधिकारी थे जेहतु से डीएफओ अधीन कार्य करुले डीएफओ दायित्व था कमी सौम्यरंजन निया पे जेहतु से अभियोग पर मुह खुल कि सामना को आसलेनि पर सन्देह घनीभूत होता है जहाँ भावी ही ये प्रश्न स्वाभाविक मनोज आप देखो जंगल विभाग रे जने काम करुछंती जदि तांकर एभली भाव रे मृत्यु होउछि
जहाँ एत संवेदनशील घटना जहाँ राज्य बहुचर्चित घटना ए खबर को लेकिन राज्यवासी सोशल मीडिया आंदोलन कर प्रतिक्रिया रखिंट सौम्यरंजन को न्याय जस्टिस फर सौम्यरंजन एमती अनेक कथा सामना को आसी एक क्षेत्र में जिलापा प्रतिक्रिया गुरुत्व बहन करुच्चे जंगल विभाग में जड़े कम करुले क्लास वन अफिसर ता सहित जंगल विभाग जी मंत्री सी कौन सी प्रतिक्रिया रखुना समस्ते जमी नीरव अच्छा कौटिना कौटि ए सन्देह दृढ़ीभूत हो डीएफओ सुरक्षा समस्ते निजर सब बल को एक्जुट कर कहले समस्ते सुरक्षा दौरान डीएफओ को बड़ बड़िया लोक जहाँ कहले जिलापाल हूँ जंगल मंत्री हूँ से बारंबार परिवार अभियोग करें मुह खुल चुप बसिले आईआईसी जी अच्छा तदंतकारी टीम आईआईसी सी तदंत को बाटगणा करने प्रचेषा कले जहाँ पर अभियोग करना पर लोक सहित जो आसते आईआईसी घर प्रतिक्रिया नहीं बहुत तथ्य देते जैक गणमाम को तथ्य पर्यटन देना तदंतर बाधा बल कि आईआईसी को तदंतकारी टीम को तथ्य देते कि घर लोक कहते जो तथ्य सब देते से तदंतकारी टीम से मूल तदंतकारी टीम तदंत कला ना अन्न दिग को लेकिन अड़ुआ सृष्टि करने को लगेगा कौटिना कौटि स्पष्ट हो पड़े दोषी मान को घंट गुड़ आउ गोटे कथा पर लोक उठे डीएफ जो उपरिस्थ अधिकारी आईआईसी जो डीएफ को तल कर्मचारी सी केमी पचारे प्रथम तो डीएफ को चाकरी बहिष्कार करेस्ट कर रिमांड में पचरा पर लोक अभियोग कर देढ़ मस बीतीगला भी हलानी और पर लोक कहते विद्या भारती गिरफ्त कर गिरफ्त कर रिमांड में नि सब जना पड़ कि पुलिस विद्या भारती गिरफ्त कर नहीं स्पष्ट हो जाता है कौटिना कौटि तदंतकारी टीम घंट बुढ़ावा लगी दोषी मानक निश्चय जहाँ सौम्यरंजन को परिवार लोक अभियोग आणुंट जो आधार तदंत करने से दावी करुंट से बाटर तदंत जाऊना डीएफओ एवं कार्य अच्छा जदि तल अधिकारी पचरा जा मुह खोल डीएफओ विरोध में तेणु सेठार ट्रांसफर करागलापर ही जहाँ सत्यासत्य सामना को आसो जो कथार जुक्तिजुक्त रोचे बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आम रिपोर्टर रही थे सिमुलिया एवं जितेन्द्र रही थे पारलाखेमुंडी जी आमको अधिक सूचना दे ग्राउंड जीरो को ये रखा नमस्कार।